हेलो स्टूडेंट्स uh, आपके सामने मैं फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आई आई टी जे एडवांस टू थाउजेंड ट्वेंटी में आया हुआ है क्वेश्चन uh, है लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी रियल नंबर्स सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू वन सपोज द पॉइंट थ्री कॉमा टू कॉमा माइनस वन इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट वन जीरो माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन एक प्लेन दे रखा है आपको फिर यहां पर आपको चार कंडीशंस दे रखी हैं आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी कंडीशंस ट्रू होगी तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि एक प्लेन तो कंस्ट्रक्ट कर लिया यहां पर ठीक है अब आपसे कहा है कि यहां पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखी वन, कौमा, जीरो, कौमा, वन। और इसकी मिरर इमेज हमें यहां पर कहीं पर मिली है जो है थ्री कॉमा टू कॉमा माइनस वन तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा जिसको मैं ए बोल रहा हूं ये इस लाइन का क्या होगा मिड पॉइंट होगा जो कि इस प्लेन पर लाइक like करेगा तो इस ए के अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं तो सिंपल सी बात है मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू तो ये हो गया टू टू प्लस जीरो डिवाइड बाई टू तो ये हो गया वन माइनस वन प्लस माइनस वन डिवाइड बाय टू तो ये हो गया माइनस वन इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये जो हमारे पास आ गया है ये इस प्लेन पर लाई कर रहा है मतलब इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है अब प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है यहां पर मैं लिखता हूं तो प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड डेल्टा ये दे रखा है तो इसमें ये टू वन माइनस वन पुट करता हूं मैं एक्स वाई और जेड की जगह तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी टू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू डेल्टा तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है ठीक हो गया अच्छा इसके अलावा क्वेश्चन में ही अल्फा प्लस गामा को वन के इक्वल दे रखा है तो हम यहां लिखते हैं अल्फा प्लस गामा इक्वल है वन के तो ये मैंने ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई जो हमें यहां पर चाहिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छा अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है अभी तो और कंडीशन हमें यहां चाहिए होगी ये जो जो प्लेन प्लेन है देखो किसी भी की डायरेक्शन होते हैं वो एक तो इक्वेशन से निकाल सकते हो और दूसरा उस लाइन के थ्रू भी निकाल सकते हो जो उसके परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के नॉर्मल होगी तो हमारे पास ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन भी गिवन है और इसका नॉर्मल भी गिवन है तो हम दोनों के थ्रू इसके डायरेक्शन को साइन को निकालते हैं और ऑब्वियसली वो दोनों डायरेक्शन को साइन जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे मतलब सबसे पहले ये ये देखो प्लेन की इक्वेशन है अगर इसके डायरेक्शन को साइन निकालने तो हम कैसे निकालेंगे एक्स का कोफिशियंट क्या है अल्फा इसको डिवाइड करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशियंट के स्क्वायर को प्लस वाई का, का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशियंट का स्क्वायर पहला निकल गया ये दूसरा निकालना है तो उसी तरीके से वाई का जो कोफिशेंट है बीटा इसको इसी पूरी टर्म से डिवाइड कर दो जो कि आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ठीक हो गया और ऐसे ही गामा ओवर इस पूरी टर्म को डिवाइड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर तो प्लेन की इक्वेशन से हमारे पास ये उसके क्या निकल गए डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए अब इसी प्लेन की डायरेक्शन कोसाइन को हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आपको उसका नॉर्मल गिवन है जो कि हमें यहां ऑलरेडी गिवन था यह क्या है इस प्लेन का नॉर्मल भी है तो इस नॉर्मल के थ्रू भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं इसी प्लेन की तो उसके लिए पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज को निकालना पड़ेगा डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज जो आपके नॉर्मल्स हैं वो दो पॉइंट से पास कर रहे हो ऐसा आपको पहले से मिला हुआ होना चाहिए जो कि हमें यहां पर मिला हुआ है तो थ्री में से वन माइनस किया तो कितना आया टू टू में से जीरो माइनस किया तो हमारे पास कितना आया में से को माइनस किया तो कितना आया जीरो तो ये आ गए आपके डायरेक्शन रेशियोज ये जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन थी अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो ये जो अल्फा बीटा और ये गामा है ना यही थे डायरेक्शन रेशियोस इसके लेकिन जो हमारे नॉर्मल दे रखी है तो उसके थ्रू डायरेक्शन रेशियो हमने ये निकाले। तो दो तरीके हैं निकालने के डायरेक्शन डायरेक्शन टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर ऐसे ही इसके लिए भी करो और बिल्कुल इसी से डिवाइड करो तो ये हमारे पास आएगा टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस जीरो जीरो का स्क्वायर अब इसके बाद क्या करेंगे ये टू है नीचे इस पूरे को सॉल्व करोगे तो टू का स्क्वायर फोर हो गया प्लस टू का स्क्वायर फोर हो गया तो ये हमारे पास एट हो गया एट का स्क्वायर रूट होता है टू रूट टू इसको भी ऐसे लिखेंगे टू ओवर टू स्क्वायर रूट टू और ये तो हमारे पास जीरो कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ गया आंसर वन ओवर रूट टू वन ओवर रूट टू कॉमा जीरो होगा ये क्या निकाले हमने हमने निकाले डायरेक्शन रेशियोस किसके इस प्लेन के किसके थ्रू इस नॉर्मल के थ्रू हो गया पहली चीज ये हमारे पास क्या है ये भी हमारे पास डायरेक्शन सॉरी ये डायरेक्शन को साइंस है हाँ डायरेक्शन कोसाइंस है ये ये भी हमारे पास क्या है डायरेक्शन लेकिन ये हमने किसके थ्रू निकाले प्लेन की इक्वेशन के थ्रू निकाले तो इसका मतलब है 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 ये ये भी भी डायरेक्शन डायरेक्शन तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो बराबर रखते हैं तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं क्या है ये अल्फा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को वन ओवर रूट टू के बराबर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से ये यह आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ये इक्वेशन मुझे मुझे मिलेगी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये क्लियर हो गया होगा ऐसे ही अगर इस वन ओवर रूट टू को इसके बराबर रखोगे तो तब तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये क्लियर हो गया होगा ऐसे ही इस जीरो को इसके बराबर रखोगे तो तुम्हें मिलेगा गामा इक्वल टू जीरो आई थिंक यहां तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा तो हमने ऑलरेडी दो इक्वेशंस तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे है ना और उसके बाद हमने दो इक्वेशन और ये यह यहां पर डिफाइन किए तो मैं अब सारी इक्वेशन को एक एक करके लिखता हूं तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो थी टू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू डेल्टा ये पहली इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था ठीक है मैं दिखा देता हूँ आपको ये थी दूसरी इक्वेशन ये थी अल्फा प्लस गामा इक्वल टू वन ये इतना लेंथी है नहीं सोल्यूशन लेकिन सॉल्व करने में समझाने में इतना लगा है ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन ये चौथी इक्वेशन ये पांचवी इक्वेशन सबको लिख देता हूं मैं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और गामा इक्वल टू जीरो हमारे पास पांच इक्वेशन आई है अब की मदद से हमें ये चारों को ट्रू या फॉल्स बताना है तो सबसे पहले ये आपका गामा क्या है जीरो इसको अगर मैं यहां रखता हूं तो अल्फा मेरे पास कितना आ जाएगा वन तो पहला सोल्यूशन आ गया अल्फा इक्वल टू वन और गामा इक्वल टू जीरो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है यहां तक समझ में आ गया होगा अल्फा की वैल्यू वन आ गई गामा की वैल्यू जीरो आ गई अब देखो अल्फा की वैल्यू वन और गामा की वैल्यू जीरो अगर यहां पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर तो मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस वन आ गई तो बीटा की यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं अल्फा मिल गया बीटा मिल गया गामा मिल गया अब हमारे पास डेल्टा रह गया अब वो डेल्टा आप कैसे प्राप्त करेंगे कैसे मिलेगा आपको अगर मैं अल्फा की वैल्यू वन देखो अल्फा की तो एक ही वैल्यू है और बीटा की दो वैल्यूज है अगर अल्फा की वैल्यू वन यहाँ पुट करूँ और बीटा की वैल्यू प्लस वन यहाँ पुट करूँ और गामा की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो डेल्टा मुझे मिलेगा थ्री और अगर तो ये हमारे पास यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू थ्री मिल गई लेकिन अगर मैं अल्फा की वैल्यू वन बीटा की वैल्यू माइनस वन और गामा की वैल्यू जीरो पुट करता तब मुझे डेल्टा की कौन सी वैल्यू मिलती तब मुझे डेल्टा की वन मिल वैल्यू मिलती तो हमारे पास ये सारे के सारे सॉल्यूशंस अब आ चुके हैं अब हमारा काम सिंपल क्या है हमारा काम ये है कि इन सारी वैल्यूज को अब हम बारी बारी से इन इक्वेशन पे फिट करेंगे सबसे पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना है ना अल्फ़ा प्लस बीटा तो ज़रा देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली आपने वन निकाली है और बीटा की वैल्यू वन भी निकाली है और माइनस वन निकाली है तो अगर मैं यहाँ वन पुट करूँ तो मुझे आंसर टू मिल जाएगा अगर माइनस वन पुट करूँ तो ज़ीरो मिल जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की एक वैल्यू आपके पास टू आ रही है एक वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है ज़ीरो आ रही है ये क्लियर हो गया होगा इसका मतलब है हमारे पास ये वाली जो रिलेशन है ये ट्रू है अगला है डेल्टा माइनस गामा डेल्टा माइनस गामा देखो डेल्टा की वैल्यू थ्री है गामा की वैल्यू ज़ीरो है तो ये मेरे पास थ्री आ गया डेल्टा की वैल्यू वन भी है और गामा की वैल्यू जीरो है तो ये वन भी आया तो ये हमारे पास ये दो रिलेशन ट्रू है तो डेल्टा माइनस गामा की वैल्यू थ्री भी है डेल्टा माइनस गामा की वैल्यू वन भी है तो ये थ्री वाला रिलेशन है तो ये ट्रू हो गया अगला है डेल्टा प्लस बीटा तो डेल्टा प्लस बीटा निकालते हैं डेल्टा की वैल्यू कितनी हमारे पास डेल्टा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी थ्री निकाली और बीटा की वैल्यू हमने वन निकाली थी तो फोर आ गया और बीटा की वैल्यू माइनस वन भी निकाली थी तो टू आता पर हमारे पास ये फोर वाला ट्रू हो रहा है तो ये भी ट्रू हो गया इसमें लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका डेल्टा के बराबर होना चाहिए देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है वन बीटा की वैल्यू वन और माइनस वन है तो दोनों में से जो वैल्यू आप यहाँ पुट करो और गामा की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये जो डेल्टा है ये कभी भी देखो मैं समझाता हूँ ये वाला ये वाला जो हिस्सा है समझाता हूँ देखो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू वन पुट करता हूँ और बीटा की वैल्यू पहली बार वन पुट करता हूँ और गामा की वैल्यू में जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू टू आती है एक चीज़ समझ में आ गई होगी अगली बार मैं अल्फ़ा की जगह वन पुट करूंगा बीटा की जगह माइनस वन पुट करूंगा गामा की जगह ज़ीरो पुट करूंगा तो डेल्टा की दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है जीरो तो डेल्टा की एक वैल्यू टू आ रही है एक वैल्यू जीरो आ रही है पर ये दोनों डेल्टा की वैल्यूज़ तो थी ही नहीं डेल्टा की वैल्यूज़ थी थ्री एंड वन तो ये दोनों आंसर इन दोनों आंसर मेरे को सेटिस्फाई कर नहीं रहे इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन यहां पर फॉल्स हो गया तो इस तरीके से मैंने आपको चारों ऑप्शन समझा दिए हैं चारों ऑप्शन समझा दिए हैं और कौन सा आंसर करेक्ट है वो भी आपको बता दिया है तो आई थिंक आपको पूरा सोल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू सो मच